आज के वीडियो में सभी दीदी भैया को नमस्ते। दीदी आज के इस वीडियो में हम आप सभी को विद्युत सखी यानी बिजली सखी के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे, क्योंकि इस नौकरी को लेकर के बहुत सी दीदियों ने कमेंट किया है। एक दीदी का कमेंट आया है, दीदी विद्युत सखी के बारे में कुछ जानकारी दें। हमने विद्युत सखी की नौकरी के लिए अपने ब्लॉक पर आवेदन किया है और हमारे यहाँ इस समय विद्युत सखी की नौकरी निकली हुई है, भर्ती हो रही है। और BMM के द्वारा हमको बताया जा रहा है कि आप अपने समूह से 30,000 रुपए डिवाइस के लिए ले लीजिए। और दीदी बोल रही हैं कि दीदी इस 30,000 की वापसी हमको कैसे करना होगा, ब्याज दर कितना लगेगा और कितने दिनों में हम यह पैसा वापस करेंगे, और हम विद्युत सखी के पद पे कार्य करेंगे तो हमको प्रति माह कितना वेतन मान मिलेगा, तब जा करके हम इस 30,000 की वापसी कर पाएंगे, प्लीज बताइए। तो दीदी आज की इस वीडियो में हम आप सबको पूरी जानकारी बताएंगे कि विद्युत सखी योजना किस प्रकार की योजना है, कार्य क्या करना होगा, आवेदन करने हेतु योग्यता पात्रता क्या होनी चाहिए, प्रतिमाह आपको वेतन कितना मिलेगा, और यह जो 30,000 की बात है समूह से लेने की, और इस पे ब्याज दर कितना लगेगा, कैसे वापस करना है, पूरी जानकारी आज हम आप सबको इस वीडियो में बताएंगे। तो आज की यह वीडियो दीदी आप सभी दीदियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख लीजिएगा ताकि आप सबको एकदम सही एवं सटीक जानकारी मिल जाए। तो दीदी इस समय बिजली सखी की नौकरी निकली हुई है और स्वयं सहायता समूह की योग्य दीदियां इस नौकरी के लिए आवेदन कर रही हैं। तो यहां पे दीदी आप सब देख सकती हैं, यूपी बिजली सखी योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरू की गई है। सरकार के आदेशानुसार NRLM यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और विद्युत विभाग यानी पावर कारपोरेशन लिमिटेड UPPCL दोनों विभागों के बीच में करारनामा हुआ है, अनुबंध हुआ है, समझौता हुआ है। समझौता यही हुआ है सरकार के आदेशानुसार कि अब स्वयं सहायता समूह की दीदियों को बिजली विभाग के अंतर्गत बिजली बिल वसूलने और मीटर रीडिंग का कार्य करने के लिए रोजगार दिया जा रहा है, नौकरी दी जा रही है। अब एक एक ग्राम पंचायत में एक एक विद्युत सखी का चयन किया जा रहा है। विद्युत सखी का कार्य है कि जिस गांव में उनकी तैनाती की जाएगी उस गांव में जा करके ग्रामीणों के दरवाजे दरवाजे पर मीटर रीडिंग करेंगी और उनका बकाया बिजली बिल ऑनलाइन तरीके से जमा करेंगी, और बिजली सखी को जो है ऑनलाइन तरीके से ऐप पर कार्य करना होगा। उनके लिए बिजली विभाग के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है, यही कार्य जो है बिजली सखी को करना होगा, और इस कार्य के लिए बिजली सखी को प्रति माह वेतन मान भी दिया जाएगा। तो वेतन कितना दिया जाएगा, किस हिसाब से दिया जाएगा, अभी आगे मैं आप सबको वीडियो में बताती हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। इस नौकरी में आवेदन करने हेतु योग्यता क्या होगी, पात्रता क्या होगी, ये भी जान लीजिए। तो योग्यता की बात करें, वह दीदी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह की सदस्य होनी चाहिए और उस समूह में जुड़ी होनी चाहिए, और उस दीदी का समूह कम से कम 6 माह पुराना होना चाहिए, और उनका समूह NRLM पोर्टल और लोकेश ऐप पर ऑनलाइन तरीके से फीड होना चाहिए, और वह दीदी कम से कम हाई स्कूल पढ़ी लिखी हो, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए, दीदी की उम्र कम से कम 18 वर्ष अधिक से अधिक 50 वर्ष होनी चाहिए, और दीदी के पास अंक गणित की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप बिजली बिल जमा करने का कार्य आपको करना है पैसे से संबंधित, आपको गुणा जोड़ घटाव भाग ब्याज प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज ये सब निकालना आपको आना चाहिए, और दीदी आपके पास बड़ा वाला स्मार्टफोन होना चाहिए और आप फोन को अच्छे से चला लेती हूँ, क्योंकि आपको ऑनलाइन तरीके से ऐप के माध्यम से कार्य करना है, बिजली बिल जमा करना है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला है बाहर आने जाने के लिए, जैसे आपको बिजली बिल जमा करने के लिए मीटर रीडिंग का काम करने के लिए गांव-गांव में जाना पड़ेगा, फील्ड वर्क का कार्य है, और आपको ट्रेनिंग में भी जाना पड़ सकता है, तो आने जाने के लिए किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। यदि इतनी सारी योग्यताएं हैं दीदी तो आप इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकती हैं। तो देखिए दीदी इसका आवेदन जो है ऑफलाइन तरीके से ही होगा, और इसका आवेदन आप अपने ब्लॉक पे जाइए, ब्लॉक पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM का कार्यालय है, वहाँ पर ब्लॉक मिशन मैनेजर की नियुक्ति की गई है, उनसे बात करिएगा और उन्हीं के माध्यम से आप विद्युत सखी की नौकरी के लिए ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर सकती हैं। उसके बाद
बाद आपकी लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू होगा, उसके बाद मेरिट बनेगी। मेरिट के आधार पर दीदियों का चयन किया जाएगा। जिस दीदी का चयन कर दिया जाएगा उस दीदी को फोन किया जाएगा, जानकारी दी जाएगी, उस दीदी को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा और दीदी आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो ट्रेनिंग में आपको क्या कुछ सिखाया बताया जाएगा ये भी जान लीजिए कि बिजली सखी के कार्य क्या है, उनकी जिम्मेदारियां क्या है, कैसे मीटर रीडिंग करना है, कैसे बकाया बिल जो है ऑनलाइन तरीके से कैसे जमा करना है, मीटर रीडिंग की जो मशीन होती है थर्मल प्रिंटर मशीन यानी डिवाइस, उसको कैसे चलाना है, विद्युत विभाग के द्वारा आपको ऐप दिया गया है उस ऐप को कैसे चलाना है, उस पर कैसे कार्य करना है, पूरी जानकारी आपको ट्रेनिंग में सिखाई और बताई जाएगी। ठीक है दीदी, अब बात कर लेते हैं, आपको जो है जो बिजली बिल और मीटर रीडिंग के लिए मशीन दी जाएगी बैलेट प्रिंटर मशीन यानी डिवाइस, वह क्या मशीन आपको सरकार की तरफ से दी जाएगी कि अपने पास से खरीदना होगा? तो दीदी देखिए, यह मशीन आपको स्वयं अपने ही पैसे से खरीदना होगा और यह मशीन जो है 4,500 रूपए से लेकर के 5,000 रूपए में मिलती है। ठीक है, इस मशीन को रिचार्ज जो करवाना होगा आपको स्वयं अपने ही पैसे से रिचार्ज करवाना होगा, तभी आप बिजली बिल और मीटर रीडिंग का कार्य कर पाएंगी। यदि मान लेते हैं दीदी आपके पास पैसा नहीं है तो ब्लॉक के माध्यम से बीएमएम आपको, आपके समूह में पैसा है तो समूह से दिलवाएंगे या ग्राम संगठन में पैसा है तो ग्राम संगठन से दिलवाएंगे, आपको 30,000 रूपए का ऋण दिलवाएंगे। ठीक है, तो दीदी का कमेंट है, ये जो 30,000 रूपया हमको हमारे समूह से लेना है तो इसकी वापसी हमको कैसे करना है, ब्याज दर क्या लगेगा? इस 30,000 रूपए की वापसी आपको प्रति माह किस्त के अनुसार करना होगा, किस्त आपको अपनी आमदनी के हिसाब से ही बनाना होगा ताकि दीदी आप आसान तरीके से इस पैसे की वापसी ब्याज मूलधन सहित समय से अपने समूह में कर सकें। आप चाहे तो 1,000 रूपया प्रति माह की किस्त बना सकती हैं या 500 रूपए प्रति माह की किस्त आप बना सकती हैं या इससे ज्यादा बना सकती हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। अब ये जो 30,000 रूपया आपको मिलेगा तो इस पे ब्याज दर कितना लगेगा ये भी जान लीजिए। तो इसमें ब्याज दर में आपको थोड़ा छूट है, ब्याज दर जो लगेगा 4% वार्षिक लगेगा, 4% वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से 30,000 रूपए की वापसी आपको अपने समूह में करना होगा। जैसे जैसे आपका मूलधन कम होता जाएगा वैसे वैसे आपका ब्याज भी कम होता जाएगा। और दीदी आपको बता दें, यदि आपके पास पैसा है स्वयं तो आप अपने ही जेब से लगा करके कार्य शुरू कर सकते हैं, आपको कहीं से पैसे लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप ले सकती हैं। ठीक है, हम दोनों चीजें आपको बता रहे हैं। इस नौकरी में आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेगा? आधार कार्ड का फोटोकॉपी, आय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण की फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो। और आप स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हैं तो स्वयं सहायता समूह में सदस्य पासबुक मिलता है, उसकी भी फोटोकॉपी लगेगी। यही सारे दस्तावेज आपको लगेंगे इस नौकरी में आवेदन करने हेतु। अब दीदी का सवाल है कि हम विद्युत सखी के पद पे कार्य करेंगे तो हमको प्रति माह कितना वेतन मान मिलेगा, ये हमको बता दीजिए। तो यहाँ पे देखिए दीदी, आपको बता दें, विद्युत सखी की नौकरी में कोई फिक्स वेतन नहीं है कि प्रति माह आपको इतना 1,000 रूपया वेतन मिलेगा। इस नौकरी में आपको कमीशन बेस के आधार पे ही वेतन दिया जाएगा। जितना ज्यादा से ज्यादा आप बिजली बिल जमा करवाएंगी उतना ज्यादा से ज्यादा आपका कमीशन बनेगा। तो कमीशन कितना मिलेगा? तो दीदी देखिए, यदि आप 2,000 रूपए तक का बिल जमा करवाती हैं कम से कम तो आपको 20 रूपए तक का कमीशन दिया जाएगा। वैसे हमारे यहाँ जो भी दीदियाँ विद्युत सखी के पद पे कार्य कर रही हैं उनके द्वारा यही बताया जा रहा है, कम से कम प्रति माह 8,000 से लेकर के 10,000 रूपए तक का कमा लेते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, जितना ज्यादा से ज्यादा हम बिजली बिल जमा करवाते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा हमको कमीशन मिलता है। तो विद्युत सखी को दीदी इसी हिसाब से वेतन मिलता है। और अब विद्युत सखी को एक और नई जिम्मेदारी दी गई है, मीटर रीडिंग की जिम्मेदारी। अब विद्युत सखी को जो है मीटर
मीटर रीडिंग भी करना होगा। तो जाहिर सी बात है जब मीटर रीडिंग का काम बढ़ गया है तो अब आने वाले समय में विद्युत सखी का वेतन भी बढ़ जाएगा। और दीदी हम आप लोगों से कहना चाहते हैं विद्युत सखी की नौकरी बहुत ही अच्छी नौकरी है, योजना बहुत ही अच्छी है और इसमें सरकार को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। यदि विद्युत सखी की नौकरी से संबंधित आप सबके और भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो से आप सभी को विद्युत सखी की नौकरी के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो आज की यह वीडियो दीदी आप सभी दीदियों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप सबको स्वयं सहायता समूह से संबंधित नई से नई जानकारी बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।